और ये देखिए ट्रैक्टरों का हुजूम आ चुका है यहाँ पर, ट्रैक्टरों का हुजूम। शेयर करें वीडियो को, ट्रैक्टरों का हुजूम। यहाँ पर देखिए हमारे किसान भाई है जो काफी जोश में जाते हुए नजर आ रहे हैं। हमारे युवा किसान है, बुजुर्ग किसान है, बच्चे हैं, जवान हैं। देखिए किसान एकता जिंदाबाद के नारे यहाँ पर गूंज उठा है पानीपत। किसान एकता जिंदाबाद के नारों से देखिए यहाँ पर किसान भाई एक से बढ़कर एक गाड़ियों पर जाते हुए नजर आ रहे हैं। किसान एकता जिंदाबाद के नारों के साथ, किसान एकता जिंदाबाद के नारों के साथ हमारे किसान भाई शाम तक दिल्ली पहुंच जाएंगे। और अभी हम आपको आगे ले चलेंगे, आगे से भी दिखाएंगे। पीछे तो दिखाया हमने पानीपत टोल का पीछे का ये दृश्य, इधर दिखाइए सहयोगी, इधर भी दिखाइए, चारों तरफ ही ट्रैक्टर ही ट्रैक्टर। चाहे बात करें पांचों लाइन पानीपत की, पांच लाइन है ये टोल वाली, सभी पर ट्रैक्टर ही ट्रैक्टर। किसान एकता जिंदाबाद के साथ, किसान एकता जिंदाबाद। देखिए गानों के साथ, गानों के साथ किसान एकता जिंदाबाद के नारे। और हमारे भाई लगातार दिल्ली जाते हुए ये तस्वीरें बहुत ही अनोखी है, ऐसा कुंभ में देखने को मिलता था। भाइयों फतेह करके रहोगे जंग? हाँ जी जंग फतेह करके रहोगे? हाँ जंग फतेह करके, और किसान एकता जिंदाबाद के नारों के साथ बहुत ही अच्छा दृश्य है ये। यहाँ पर हम दिखाएंगे हमारे वीडियो जर्नलिस्ट को की पांचों लाइनों पर। ये बताइए ब्रदर कब से खड़े हो यहाँ? ब्रदर अपन आड़े खड़े खड़े ना दो घंटे हो लिए हैं। दो घंटों में कितनी ट्रैक्टर ट्रालियां जाती हैं? दो घंटा माड़े के मान लो 50,000 से 70,000 ट्रैक्टर क्रॉस हो गए हैं। हाँ आराम तो कितनी आराम तो भाई है, और वहाँ पर जो करीब करीब मान लो 8-10 लाख ट्रैक्टर आराम से पहुंचेंगे दिल्ली। हाँ दिल्ली पहुंचेंगे, दिल्ली अपने जो रोड लोड उड़े बैठा है गति है। देखिए हमारे एक भाई है, युवा भाई है, बिल्कुल भाई बिल्कुल गति बिल्कुल ये किसान एकता जिंदाबाद बिल्कुल लगे रहेंगे। और वही पास जीत के लौटेंगे, जो काले कानून ले दिए ना बहुत गलत ले दिए, और पंगा भी गलत पड़ गया सरकार का। किसान वही पास ये नहीं सोचा है किसान के रखे हुआ बस यार रहता नहीं पानी लावा हाँ रहता नहीं जागा हाँ सरकार मारता पानी रहता ना 12 बजे तो मारता बिजली दे ब्रदर आप प्रॉपर मतलब आड़े गए हाँ लोकल। देखिए हमारे एक भाई है कह रहे हैं कि किसान जंग फतेह करके ही लौटेंगे, जंग मतलब ये है काले कानूनों को वापिस करवा कर आएंगे दिल्ली से। ये वो संख्या है जो झूठ नहीं है, इससे ये साबित होता है जो कानून है कुछ तो है भाई, कुछ तो घोटाला है। अब तो ये सरकार और जानती है कि क्या कमी है क्या नहीं है। किसान भाई हाथ जोड़कर विनम्र निवेदन करके यहाँ से जा रहे हैं, कोई कारों में जा रहा है, कोई बाइकों पर, तो कोई ट्रैक्टरों पर, सभी अपने अपने माध्यम से जाते हुए। जो भी लोग देख रहे हैं वीडियो को शेयर जरूर करें, क्योंकि अगर आप किसानों की हक की बात करते हैं, किसानों से आपका प्यार है, तो वीडियो को शेयर ही करके जाए। देखिए हमारे भाई कार के माध्यम से भी कुछ, हमारे भाई जीप जिप्सी माध्यम से। ब्रदर पीछे और कितनी गाड़ी आ रही है भाई? कम से कम हजारों की तादाद, हजारों की संख्या में, हजारों की तादाद। पीपली से यहाँ तक जाम मिले अपने को, जाम ही जाम है। कितने घंटे में पहुँचेंगे? हम यहाँ पे 7 घंटे हो गए अपने को पीपली से यहाँ, 7 घंटे इसे यहाँ पे 7 घंटे। देखिए हमारे एक भाई है पीपली से यहाँ 7 घंटे में आए हैं, और ये किसान भाई दिल्ली अभी पहुँच जाएंगे, शायद अभी समय लगेगा। मैं तो ये कहूँगा थोड़ा पीछे हो, क्योंकि बहुत ही ज्यादा गाड़ियाँ यहाँ पर आती हुई नजर आ रही है। ब्रदर कहाँ से आए हो आप? हम आए हैं केथली से, के दिल्ली जाएंगे। कितने घंटे लग गए? 3 घंटे लगे हैं। और ये पानीपत टोल टैक्स से नजारा देख पा रहे हैं आप कि 26 जनवरी को देखते हुए जो किसान भाई थे काफी समय से मांग उठा रहे थे कि हमें 26 जनवरी पर परेड करने की अनुमति दी जाए, इसी को लेकर सरकार ने उनकी बात मान ली है। आप देख पा रहे हैं ये दृश्य, आप पानीपत टोल से देख रहे हैं, जहां पर 26 जनवरी को जो कहते हैं परेड के लिए हमारे किसान भाई है वो रवाना हो रहे हैं दिल्ली के लिए। 26 जनवरी पर किसान भाई भी अपनी ट्रैक्टर मार्च, जो ट्रैक्टर की परेड निकालेंगे, उसी को लेकर ये पूरा दृश्य पानीपत टोल से देख रहे हैं आप। और जो लोग देख रहे हैं उनसे अपील है वीडियो को शेयर कर दे, अपने वीडियो जर्नलिस्ट को कहूँगा दिखाएं किस प्रकार जो ट्रैक्टर ट्रालियों पर सवार हमारे किसान भाई है वो रवाना होते हुए नजर आ रहे हैं। हमारे किसान भाई एक एक करके जाते हुए नजर आ रहे हैं, ये पूरा दृश्य पानीपत टोल टैक्स से आप देख पा रहे हैं। जो लोग देख रहे हैं वीडियो को शेयर करते रहे, और शाम तक लगभग 30,000 से 40,000 ट्रैक्टर ट्रालियां हैं वो दिल्ली पहुंच जाएंगी, क्योंकि आज सुबह से ही आप देख पा रहे हैं
एक एक करके हजारों की संख्या में ट्रैक्टर ट्रालियां जो है दिल्ली के लिए रवाना होते हुए नजर आ रही हैं। हमारे जो भाई हैं वो काफी ज्यादा मेहनत करते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर जो किसान भाई दिल्ली के लिए रवाना हो रहे हैं उनके लिए लंगर प्रसाद का आयोजन किया गया है। कोई कार में होकर सवारों के जा रहा है, कोई बाइकों पर जा रहा है, कोई ट्रैक्टरों पर जा रहा है। देखिए किसान भाई हाथ जोड़कर कह रहे हैं कि आप यहाँ पर लंगर चख के जाइए। बार बार अपील की जा रही है, विनती की जा रही है। सबसे पहले तस्वीरें आप हमारे चैनल के माध्यम से देखिए, किसान भाई अपील कर रहे हैं बार बार कि लंगर आप चख कर जाएं, तो इनसे भी जानेंगे। ये बताइए पाजी, बहुत समय से आप मेहनत कर रहे हो, अपील कर रहे हो कि लंगर लेके जाओ। नहीं भाई साहब, अपने किसान भाइयों के लिए हमने लंगर लगा रखा है और उनकी सेवा के लिए खड़े हैं। बिल्कुल, देखिए किसान भाई कह रहे हैं कि सेवा, सबसे पहले सेवा ही धर्म की जो बात है यहाँ पर नजर आ रही है। वीडियो जर्नलिस्ट को कहूंगा कि दिखाते रहे इसी प्रकार। जो ट्रैक्टर ट्रैली है यहाँ पर देखिए, फायर ब्रिगेड की गाड़ियाँ भी यहाँ पर दिख रही हैं आपको, और हमारे जो भाई हैं, जवान हैं, किसान के भाई हमारे, वो सभी एक एक करके रवाना होते हुए नजर आ रहे हैं। पूरा नज़ारा ये पानीपत टोल से देखिए, भाई डटे हुए हैं, लगातार अपील कर रहे हैं कि यहाँ पर लंगर चख कर जाएं। जो किसान भाई हर रैली में निकल रहे हैं, हम आगे भी ले चलेंगे और दिखाएंगे आपको कि पूरा नज़ारा किस प्रकार से अद्भुत, भव्य, सुंदर और अनोखा, पूरा इस नज़ारे को हम कहेंगे बहुत ही अद्भुत नज़ारा है ये, क्योंकि आज से पहले भारत में ऐसी कोई रैली नहीं निकली, केवल और केवल ट्रैक्टर ट्रालियों की रैली सबसे पहले। और हमारे तमाम भाई हैं जो किसान भाइयों के समर्थन के लिए यहाँ पर पहुँचे हैं। ये बताइए सर, क्या देखा आपने आज यहाँ पर? हमने ये देखा कि भाई ऐसा जिंदगी में पहले कभी ना देखा, कभी शायद आगे लाइफ में ना देखे, ऐसा जन सैलाब 36 बिरादरी के किसान साथ है। और जब तक हम नहीं आएंगे, जब तक 3 कानून वापस नहीं लिए जाएंगे, जब तक हम वापस नहीं आएंगे। ऐसा कुछ सोचा था कि ऐसा कुछ हमारे भारत में देखने को मिलेगा? नहीं, ऐसा कभी भी नहीं सोचा था, ऐसा सरकार के प्रति भी नहीं सोचा था। सरकार ऐसा करेगी किसान के लिए, ऐसा भी कभी नहीं सोचा था। ना किसी सरकार ने किसान के लिए ऐसे काले कानून लेकर आए थे जो ये लेकर आए हैं। हमारे बड़े भी कहते हैं, बड़े बुजुर्गों ने बात भी की है, उनके साथ भी सरकार ने ऐसा कभी नहीं किया था। मैं मंत्री अपना, प्रधानमंत्री अपना नरेंद्र मोदी से मैं रिक्वेस्ट करूंगा, कुंभकर्ण की नींद से जागें, किसानों की अपील सुने, देखें देश में हो क्या रहा है। कि अब तो दंगा होगा, दंगे का माहौल बनेगा, भारत की छवि खराब होगी, राष्ट्र पर्व को नुकसान होगा। ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। सरकार बार बार भड़काने का काम कर रही है, कभी ये सड़कें खोदती है, कभी ये फर्जी पोस्टर लगाती है, कभी ये हिंदू मुस्लिम में बांटती है, कभी ये हरियाणा पंजाब में बांटती है, कभी ये जो है भाईचारे को खत्म करने का प्रयास करती है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। जो हमारे 5 लाख ट्रैक्टर आज दिल्ली में पहुंच चुके हैं, उसमें हमने एक बंदा इसीलिए बैठाया हुआ है ताकि वो ये ध्यान रखे कि कोई भी गलत आदमी आंदोलन में घुसकर आंदोलन को खराब करने का प्रयास ना करे। ये नुकसान अगर सोचा जाए, किसान का नुकसान है जो कानून बने, ये किसान का नुकसान नहीं है, ये हर उस आदमी का नुकसान है जिसके शरीर के ऊपर पेट लगा हुआ है, जो 2 वक्त की रोटी खाता है, ये नुकसान उसका है। आपने देखा होगा ये अडानी और अंबानी जो 10 रुपए की 3 छल्लियां मक्का जो है खेतों में से मिलती है, वही जो है सफल के उसमें चले जाओ 90 रुपए किलो बिकती है। आप ये देखो जियो वाले ने क्या किया, शुरू के अंदर 1 साल तक जियो के कनेक्शन उन्होंने फ्री दिए, उसके बाद क्या हुआ, आज वो 600 रुपए जो है ले रहे हैं। तो ये देखा होगा आज से 3 दिन पहले जो नेशनल टीवी के माध्यम से एक खबर वायरल की गई थी कि जो सिंघु बॉर्डर है वहां पर एक नकाब पोस्ट पकड़ा गया था। पहले जब मीटिंग हुई थी तो हमारे किसान भाइयों ने कहा था ये यहां पर कुछ गलत इरादे के चलते आया है, लेकिन वहीं अगली सुबह देखा गया तो वो कह रहा था कि उसे मार पीट कर जो किसान भाई है उनके द्वारा खड़ा किया गया है। तो इस पे कोई सफाई देना चाहेंगे आप? हम लोग ये कह रहे हैं, ये सरकार के सब आदमी हैं, आंदोलन से बार बार ऐसे लोग पकड़े गए हैं और सभी धरनों से बहुत सारे लोग पकड़ के पुलिस के हवाले किए गए हैं, यहीं पे वो सब कुछ वो उगल रहा था। लेकिन क्या ऐसा एक ही टीवी चैनल है जिसको उसने नकाब उतार कर और कई सारी चीज, ये गोदी मीडिया का खेल है। पानीपत वासियों के लिए खुशखबरी, क्रोसेप फिटनेस जिम आपके लिए लेकर आया है धमाका ऑफर। 15,000 में 15 महीने फिटनेस फ्रीक बनने का मौका, तो देर मत कीजिए, आज ही आइए और इस ऑफर का फायदा उठाइए।